तो देखो अब ना देखो हमारे पास बहुत सारे टाइप के एलिमेंट है ठीक है हमारे इस अर्थ के ऊपर तुम सबने सुना होगा बहुत सारे टाइप जैसे कि कार्बन हो गया नाइट्रोजन हो गया ऑक्सीजन हो गया फ्लोरिन हो गया स्कैंडियम हो गया ट्रटेनियम हो गया वेनेडियम हो गया क्रोमियम हो गया मैग्नीज निकल कॉपर निकल कॉपर जिंक इतने सारे टाइप की चीजें होती है तो अभी इतने सारे टाइप के जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास तो ठीक <थिक> है तो ये हमारे पास इतने सारे जो एलिमेंट हैं अब हम सबके बारे में अलग अलग तो पढ़ नहीं सकते कि प्यारे प्यारे बच्चों आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कार्बन कल हम करेंगे नाइट्रोजन उसके बाद हम करेंगे फ्लोरीन उसके बाद करेंगे हम स्कैंडियम उसके बाद उसके 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 बाद 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 क्रोमियम जिंक उसके बाद बहुत सारे टाइप के ऐसे आते जाएंगे सो अगर सर जान के भी सोने तो सर बीस चैप्टर ऐसे बन जाएंगे टू अरे बहुत बन जाए बीस तो तुमने नाइन्थ क्लास में याद करे थे और ये तो एक और तो ये वेरी तो गुड तो ये हमारे पास 121 टाइप के एलिमेंट तो इससे ज्यादा हो जाएंगे तुमसे तो 18 चैप्टर नहीं पढ़े जाते पूरे साल में तब तुम्हारे नंबर कितने अच्छे आते हैं पता ही है। तो एक तो 118 चैप्टर तुम क्या पढ़ोगे और ये तो अभी कुछ भी नहीं है तो बस शुरुआत है ये तो बहुत डिटेल में होते हैं चैप्टर तो तुम तो हो गया काम फिर ठीक है तो इसीलिए एक ट्रिक बनाई गई कि क्यों ना एक काम करें सिमिलैरिटीज को देखते हुए इनको ग्रुप में पढ़ा जाए मतलब कुछ ना कुछ ऐसे जैसे पढ़ा था ना एक नाइन्थ में चैप्टर ना, डायवर्सिटी था ऐसे क्योंकि नाम बड़े अच्छे थे तो वो तो याद ही नहीं होते थे हमको अब ऐसे करके नाम हो सुनीता बबीता बिमला तो याद हो भी जाता लेकिन अफसोस ये इंडियन ने नहीं बनाया तो इसलिए याद थोड़ा मुश्किल होता है बट कोई बात नहीं कर लोगे तुम लोग ठीक है तो इसीलिए अब हम ये क्लासिफिकेशन कर रहे हैं क्योंकि इतने सारे एलिमेंट्स हैं हमारे पास तो हमें उनको क्लासिफाई करना है सिमिलैरिटी अच्छा ग्रुप में सारे कुछ ना कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं वो सिमिलर प्रॉपर्टी शो होनी चाहिए अलग -अलग? तो तो अच्छा। अलग 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 क्यों बनाओगे तुम लोग मतलब तुमने बोला कि ये ग्रुप अच्छे इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसमें तो से आधे करते ही नहीं है तो तुमने उसे क्यों लो ग्रुप में जब करता ही नहीं है तो तो इसलिए गलत हो जाएगा ना फिर तो इसका मतलब सबसे पहली बात अगर मैं मैटर से स्टार्ट करता हूँ तो जरा मुझे एक बात बताओ मैटर होता है ठीक है एवरीथिंग इज मेड मैटर एवरीबडी नो दैट अब ये मैटर किससे मिलके बनता है मैटर मैटर के अंदर होते हैं हमारे पास एटम बहुत सारे एम आई राइट ठीक है तो जैसे तुम्हारे पास कोई भी एक टेबल है तुम्हारे पास कोई भी एक बुक है तुम्हारे पास कोई भी एक सब्सटेंस तो वो मैटर है और मैटर मेरे पास किससे मिलके बनता है एटम्स और एटम्स के बारे में तुम लोग ऑलरेडी जानते हो आई गेस यू हैव ऑलरेडी स्टडी दी थ्योरी इन नाइन्थ क्लास कुछ बच्चे कह रहे हैं हमने पढ़ी तो थी लेकिन पता नहीं क्या पढ़ा था हमने नाइन्थ गई सो गई ठीक है लेकिन चीजें मैटर की बनती हैं जैसे मान लो बहुत सारे जैसे आस्था है आस्था को चावल बहुत पसंद है ठीक है चावल के मोमोज हर चीज के मोमोज ठीक है तो ये सब जो खाते हो तो क्या वो भी मैटर से मिलके बना हुआ है ऑफ कोर्स क्या वो भी आइटम्स मिलकर बना हुआ है course, वो सब चीजें हम खाते हैं ठीक है तो ये जितनी भी चीजें होती है हमारे पास बहुत सारे टाइप के एलिमेंट्स होते हैं ठीक है तो बहुत सारे टाइप के मतलब जैसे हमारे पास ब्रोमीन गैस होती है मैग्नीशियम होती है मेरे पास गोल्ड होता है गोल्ड तो तुम लोग पहनते ही हो शादियों में ठीक है कुछ मेरे पास जिरकोनियम होता है मेरे पास ऑक्सीजन होता है टिन होता है एसन सीजियम होता है सिलीकोन होता है तो ये ऐसे रेंडम रेंडम मेरे पास क्या है कुछ एलिमेंट है ठीक है इंडियम हो गया ऑस्मियम हो गया ऐसे ऐसे जिनके शायद तुमने नाम भी नहीं सुने हो प्लेटिनम हो गया

ठीक है तो ये हमारे पास क्या है इतने सारे टाइप के एलिमेंट है तो इसीलिए हम इतने सारे टाइप के एलिमेंट को अलग अलग नहीं पढ़ना चाहते हम चाहते हैं ग्रुप में पढ़ा जाए तो इसीलिए सबसे अब ग्रुप में हम पहचानेंगे कैसे तो पहचानने के लिए हमें कम से कम ये तो पता हो कि कुछ एलिमेंट है कुछ एलिमेंट सिमिलरिटी प्रॉपर्टी हम टेस्ट कर करके देखेंगे ना ऐसी थोड़ी क्यों चलो एक काम करो तुम तीन इधर आ जाओ और तुम इधर आ जाओ और तुम तो वहीं रह जाओ तो ऐसे थोड़ी ग्रुप बनाने हैं पहले देखेंगे टेस्ट करेंगे तभी तो ग्रुप बनेंगे ये बच्चों का ग्रुप थोड़ी बनना है कि चलो तुम सारी लड़कियां इधर तुम सारे लड़के इधर और बाकी इधर आ जाओ ऐसा नहीं होता है ठीक है तो इसीलिए हम ऐसे ग्रुप नहीं बना सकते ठीक है तो इसीलिए हमारे पास सबसे पहले एक साइंटिस्ट आया वैसे साइंटिस्ट बहुत सारे हैं लेकिन मेन तुम्हें चार पढ़ने हैं तो हमारे पास सबसे पहले आया लेवोजियर ठीक है लेवोजियर बोलते हैं इसे तो लेवोजियर या सारे बच्चे बोले लेवोजियर ऐसे नाम नहीं आएंगे यहाँ पे गोपाल शर्मा गोपाल चतुर्वेदी ऐसे ऐसे नाम नहीं है ठीक है तो ऐसे ही नाम आएंगे यहाँ पे तो लेवोजियर ठीक है तीसरा दूसरा आया मेरे पास बर्जेलियस बर्जेलियस बोले सारे बच्चे तो बोले पता नहीं कौन सा जेलियस? हम तो नहीं बोल बोले तो ये हमारे पास सेकेंड आया बर्जेलियस बर्जेलियसो ये एनसीआर में नहीं है फिर आया मेरे पास डोबे राइनर देखो कितना सुंदर नाम है हर्षित तो एकदम खुश हो गई तो डोबे राइनर ठीक है तो ये डोबे राइनर नाम बहुत अच्छा है कुछ लोग कह रहे हैं आगे जाके अगर मैं अपना बेस्ट फ्रेंड बनाऊंगा तो डोबे राइनर को ही बनाऊंगा वरना नहीं बनाऊंगा तो डोबे राइनर हो गया हमारे पास फिर इसके बाद आया मेरे पास न्यूलैंड ये कंट्री का नाम नहीं है न्यूलैंड ओहो न्यूलैंड मैं तो बाहर ही जाऊंगा न्यूलैंड एक साइंटिस्ट का नाम है न्यूलैंड ठीक हैनरी मोजले ये वो मोजले नहीं है कि मेरे मोजे का है नाम है उसका हैनरी मोजले ठीक है तो एच मोजले क्या हाँ हाँ ये वाला तो है तुम्हारे सिलेबस में मैंडलीव तुम्हें पढ़ना हैनरी है, है, मोसले तुम्हें पढ़ना है मोसले तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेवोजियर और बर्जेलियस ने ऐसी बकवासी थ्योरी दी थी मतलब अच्छी दी थी इन्होंने, बोल सकते हैं लेकिन वो ज्यादा फेमस नहीं हुई ऐसी डिस्कार्ड कर दिया गया क्या क्या नाम नहीं हाँ बहुत इजी नाम है आई नो दैट तुम्हारा भी नाम टफ है इसलिए तो ठीक <laughs> है थोड़े से आई देखो ये इंडिया के नाम नहीं है इसीलिए ऐसे इनके नाम होते हैं ठीक है बाहर के नाम ऐसे ही होते हैं हरमायनी हाँ रोन विजली ठीक है स्नेप स्नेप तो बहुत इजी है स्नेक बोल सकते हो ठीक है तो ये हमारे पास क्या है ये ना, इतने नाम है तो आई होप सब लोगों को याद रहेगा आया पहले न्यूलैंड लेवरिया ये ऑर्डर है ग्रुप में एलिमेंट्स को ग्रुप में अरेंज करना था मेन काम ताकि हम चीजें बना सके तो लेवेर का ट्राई किया फेल हो गया बर्जेलियस ने क्या फेल हो गया डोबेराइनर ने क्या कुछ हद तक अच्छा किया लेकिन फिर इनके में भी कमी आ गई फिर न्यूलैंड ने क्या इनके में भी कमी आ गई मैंडलीव ने भी किया इनमें भी कमी आ गई तो फाइनली सबसे ज्यादा अच्छा काम किसका रहा होगा हेनरी मोजले का तो ये मैं लाइन से लिखवाया है मैंने कि किस तरीके से इनका प्रयास रहा है ठीक है तो लेवोजियर बर्जेलियस डोबे राइनर तो हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली से लेकिन इससे तुम्हें पता होना चाहिए था किसने कैसा क्या किया ठीक है भाई सब बच्चों को याद रहेगा तो देखो सबसे पहले yes. हम आ रहे हैं डोबे yes. राइनर से देखो भाई एक बात तो पता होगी सबको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में थोड़ा थोड़ा पता ही होगा मेटल्स क्या होता है जो हार्ड होते हैं ज्यादातर राइट जिनके पास टेंडेंसी होती है टू लूज द इलेक्ट्रॉन सारे बच्चे याद रखना एक बात मेटल्स क्या होते हैं हमारे पास जो अपने में से इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं नॉन मेटल क्या होते हैं फिर ये मोस्टली गैसेस में होते हैं ठीक है मोस्टली ठीक है तो अब हमारे पास ये तो अब सबसे पहले आया मेरे पास डोबे राइनर तो हम डोबे देखो डोबे राइनर ने क्या करा कोशिश करी अपनी बहुत अच्छी क्योंकि हमें ग्रुप में पढ़ने हैं बहुत सारे एलिमेंट इनकी प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज ठीक है कोई कोई बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ये पढ़ते हैं एलिमेंट की जैसे तुम कभी कभी क्या कहते हो जैसे मान लो कुछ कुछ औरतें होती हैं वो प्रेगनेंट होती हैं ठीक है तो उनकी बॉडी में जो बेबी बन रहा है तो जो बेबी होगा उनका तो बेबी की हड्डियाँ बनेंगी तो हड्डी बनेंगी तो हड्डी बनने के लिए कैल्शियम चाहिए तो अब मदर मान लो मदर मदर खुद इतनी हवा हवाई सी हवा में उड़ जाती है क्योंकि बहुत पतली है बेचारी तो उसकी बेबी की क्या हड्डियाँ बनेंगी वो खुद माल के तो उसकी हड्डी नहीं है ढंग से तो इसलिए फिर डॉक्टर उसे क्या एडवाइस करेगा कैल्शियम के? वाली गोली लो एक वो आती है मार्केट में कैल्शियम सेंडोज पहले उसका एड आता था कुत्ते जैसी शक्ल होती थी उस दवाई की मतलब वही डिब्बे से ठीक है सर देखी होगी तुम लोगों ने तो आस्था तो ये हमारे पास तो इस टाइप के हमारे पास एलिमेंट्स ने अरेंज करे तो इसने बनाए ट्राइड इसने क्या बनाया ट्राइड अब ये ट्राइड के जैसे मान लो आस्था सुहानी और रिया ये तीनों मिलके इन्होंने एक अपनी पार्टी बनाई है ईना मीना डी ठीक है तो ये क्या करते हैं ये जितने भी दोस्ती है उनमें आग लगा देती है बातचीत करके ठीक है और फिर ऐसे करते हैं कि देखो हम कामयाब हो गए तो इनके पार्टी है तो इसी तरीके से टोबे राना ने इनसे कॉन्सेप्ट सीखा कि क्यों ना एलिमेंट को भी तीन में बनाया जाए लेकिन वो तीनों और तीनों की प्रॉपर्टी सेम ही एक जैसे क्यों तीनों एकदम खूब जोर जोर से हंसती हैं फिर जब मिलती है तो ठीक है हाई हेलो तो इसका मतलब तीनों की प्रॉपर्टी सेम हुई तभी तो तीनों का ग्रुप है मान लो अगर इनमें से आस्था ऐसी होती है कि मैं तो नहीं कर रही बात दूर तूरहा मेरे से मान लो ऐसे थप्पड़ मार देती बेफालतू की बिना बात पे तो क्या कोई इसके ग्रुप में रहेगा बेटा छोड़ेंगे सुहानी नहीं सुहानी और वो सुहानी और रिया रिया को तुम तो तो जितना शांत समझते हो ना उसके डर तो वैसे पुलिस वाले पिटवा दिए बुरी तरीके से तो ऐसा भी हो सकता है और सुहानी तो है एकदम अच्छी खासी हाइट में एकदम सीधे उछाल दिया <laughs> तो इसका मतलब मेन बात क्या है तो प्रॉपर्टी सेम होगी तभी तो दोस्ती दोस्त रह पाओगे ठीक है तो ट्राइड इसने बनाए तो इसने तीन एलिमेंट लिए अब वो तीन एलिमेंट क्या लिए लिथियम लिया इसने सोडियम लिया इसने और पोटेशियम लिया इसने ठीक है ये पहला ट्राइड है आस्था सुहानी रिया ये तीन मिलके एक बन गए तो ये अब एक ग्रुप का नाम क्या है ट्राइड होगा ना क्योंकि तीन तीन लोगों का ग्रुप है ये ठीक है मान लो कोई एक बच्चा कह रहा है कि बहन मुझे भी ले ले लेने कहा जाए और जा कहीं और जाके ट्राइड बना अपना क्योंकि तीन ऑलरेडी फुल होगा ना इसीलिए ठीक है तो अब ये तीन ग्रुप का देखो इसने क्या बोला इन तीनों की प्रॉपर्टी सेम है लेकिन कैसे पता लगेगा तीनों की सेम है तो इसने बोला देखो लिथियम का अपना एटोमिक मास होता है सेवन याद आया

तो अब इसने क्या बोला देखो अब कैल्शियम का जो होता है एक्चुअली में वो होता है 40.1 इसका जो मास होता है विस्ट्रॉनशियम का होता है 87.6 और ये सी एस सर एस आर क्या है एस आर स्ट्रॉनशियम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे स्ट्रॉनशियम बहुत अच्छा नाम है आई नो दैट ठीक है स्ट्रॉनशियम ऐसी बेरियम में बी एगा ठीक है तो ये मेरे पास कितना होता है वन ठीक है देखो बीच से अगर सेम आ जाए तो भी बात बन जाएगी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो, इस तो इसका मतलब इनका भी अगर अप्रोक्सीट एग्जैक्टली नहीं आता है कुछ का आई नो दैट तो इसलिए ये मेरे पास अप्रोक्सीमेट आ रहा है तो इसका मतलब ये भी अपने आप में क्या है ट्राइड है तो ये ये तीनों याद देखो तीन हाँ, हाँ याद तो करना पड़ेगा इसका सिर्फ ट्राइड का याद करना पड़ेगा सबका नहीं तो मेटल बहुत, बहुत I mean, है वो भी मेटल है, है वाला एक कैल्शियम ग्रुप वाला अभी तो तुम्हें पता ही नहीं ना ग्रुप नंबर वन और टू है क्या अभी आने वाले उसमें बताने वाला हूँ मैं ये बात ठीक है तो चिंता मत करो तो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है प्यारे प्यारे बच्चों ठीक है अब अगर मान लो वैसे दो ही एग्जाम में आते हैं और दो ही तो मैं भी करना है ठीक है अब इसी तरीके से कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लो तुम्हारे पास एक नाइट्रोजन है एक है और एक आर्सेनिक है है ठीक तो नाइट्रोजन का कितना होता है फोर्टीन इसका कितना होता है नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक ये होता है मेरे पास सेवेंटी फोर पॉइंट नाइन और फॉस्फोरस का कितना होता है एक्चुअली में अपने आप में थर्टी वन क्या ये ट्राइड को हाँ हाँ क्या ये ट्राइड को फॉलो कर रहा है क्या ये लॉ ऑफ ट्राइड को फॉलो कर रहा है no, ये तो बिल्कुल नहीं कर रहा अबे भाई सेवेंटी no, फोर है वो एटी फोर और उसके अंदर मतलब एक तो ये फोर्टीन है और इसका मतलब देखा जाए तो ये बिल्कुल नहीं कर रहा हाँ अगर ये फोर्टी के आसपास होता फोर्टी फाइव प्लस या फोर्टी प्लस भी होता तो हम शायद थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करते लेकिन ये तो थर्टी है और थर्टी वन ये तो बिल्कुल ही नहीं मैं नहीं बता सकता आई मीन ये तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा है तो अगर ये बिल्कुल ही नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये रूल यहाँ पे आके फेल हो गया तो लोगों ने बोला क्या हुआ भाई साहब कहा आपका वो रूल जो आपने बताया था कि पहला और ये लास्ट वाला मिलके अगर एवरेज बन जाता है तो बाद बन जाती है लेकिन ये तो नहीं हो पाया फिर तो इसके लिए फिर, फिर फाइनली आई I मीन mean, इसने बना तो दिया लेकिन ये फाइनली इसका यहाँ पे रिजेक्ट हो गया कि ये क्या बात हुई तुम अपने सिर्फ कुछ बातें हाँ हाँ टेस्ट जैसे स्कूल में अगर ऐसी सेम क्वेश्चन दिया और हमारा एवरेज समझ लो सर 31.9 आ रहा है या फिर 8 आ रहा है तो फिर तो सही होगा ना बिल्कुल होगा अगर 32 भी आ रहा है बिल्कुल सही होगा 33 भी आ रहा है बिल्कुल सही होगा एप्रोक्सीमेट आ रहा है ना चीजें तो बिल्कुल सही माना जाएगा ठीक है मतलब दो तीन को लेके प्लस माइनस करके हम करते हैं तो वो बिल्कुल सही माना जाता है ठीक है अगर तक दस बीस तो नहीं।, नहीं 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 दस थोड़ा ज्यादा हो गया वैसे तो और बीस तो 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 ही लेंगे ना आ, ऐसा तो 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 वैसे तो कुछ फिक्स है नहीं वो तो एक्चुअली क्वेश्चन के वो वेरी करता है तुम अपने अकॉर्डिंग हो सकता है हाँ चलो पांच पांच तक लेके चल लो ठीक है फाइव टू सिक्स लेके चल लो तो वैसा आज तक ना तो कभी ऐसा क्वेश्चन आया ना कभी आएगा क्योंकि इसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन है ही नहीं ये जो किया ये कोई रूल थोड़ी है ये तो बस एक एक इसका तुक्का था ये जो डोबेराइनर है ना ये डोबेराइनर में ये जैसे एक आ, तुक्का लग गया कि ये चीजें यहाँ पे हमारे पास सेम हो गई एक्चुअल में ऐसा कोई रूल है ही नहीं ठीक है तो बस तुक्का था तो लेकिन अगर पूछा भी जाएगा तो तुम पांच तक लेके चलना प्लस माइनस फाइव तक ठीक है याद रहेगा यस सर ओके ते को है ना? हाँ ठीक है वैसे वो काफी सारे उसमें होता है स्लॉट्स के अंदर ठीक है नीट होता है एक एक साथ ठीक है आते हैं तो हमारे पास अब तो ये मेरे पास हो गया ठीक है तो इसकी एक तरह से जो मेरे पास लिमिटेशन थे तो फिर क्या लिमिटेशन आया क्या ये सबके लिए लागू है? नहीं, कोई, कोई, है कोई 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 रूल लगाया गया फिर लोग आगे चला रहे की जरा ट्रायल बनाना इसका तो ये कह रहा तुम चुप हो जाओ दूर जाओ मेरे से तो कहा क्यों तुमने तो, तो ट्रेट दिया ना ट्राइट का लॉ 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 जब दिया है तो 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 सबके लिए लागू होना चाहिए तो इस बेचारे का मजाक बन के रह गया लेकिन फिर भी पहला काम तो इसने बहुत अच्छा किया है एटलीस्ट ये बोलेगा एटलीस्ट मैंने कुछ किया तो है तुमने तो, तो वो भी नहीं किया तुम तो, तो सब चला रहे हो तो हाँ, तो इसीलिए फाइनली तो क्या मासेस के बेसिस पे इसने किया तो क्या हर एलिमेंट के लिए वैलिड है no, तो इसलिए इसका जो लिमिटेशन आया इसका जो ड्रॉबैक आया वो क्या है मेरे पास नॉट एप्लीकेबल to the elements ऑफ ठीक है मतलब हमारे पास बहुत सारे टाइप के ग्रुप्स बने हुए हैं तो ये उस चीज के लिए बिल्कुल भी वैलिड नहीं है अभी मैं आगे जाके बताऊंगा जो पूरी पैर टेबल तुम देखते हो ना तो इनके ग्रुप बने हुए हैं तो ये जितने भी अदर थे उनके लिए वैलिड नहीं था तो नॉट एप्लीकेबल फॉर अदर एलिमेंट कर लो बेटर रहेगा ठीक है थीके? So तो ये ऑल ऑल द एलिमेंट्स भी कर सकते हैं अदर ऑल तो मैं तो तीन ये चार मतलब ये सब आई गए ना अच्छा ओके ठीक है तो तीन ट्राइड इसने दिए ठीक है तो ट्राइड़ क्या थर्ड वाला नहीं करना है तुम्हारे तो सिर्फ दो ही करना है ठीक है सिलेबस में सारे दो ही हैं अच्छा और अब देखो जैसे कि मेरे पास आ, जैसे ट्राइड है तो क्या जितने भी एलिमेंट को तुम जानते हो क्या ये सबके सबका सबका ट्राइड बनाना आसान है पहली बात तो सब एलिमेंट के लागू नहीं हुआ लेकिन कुछ का तो ट्राइड बन ही नहीं पा रहा था जैसे बहुत सारे एलिमेंट थे जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज थी सिमिलर प्रॉपर्टीज होने के बाद भी उनका ट्राइड नहीं बन पाया जैसे मैं एक बात करूँ ये, nitrogen, arsenic, ये सारे एक ही ग्रुप के पांच होते हैं पांच ऑलमोस्ट सेम प्रॉपर्टी होती है क्योंकि एक ग्रुप के हैं लेकिन तब भी क्या इसका ट्राइड बन रहा है सर अभी तो आप कह रहे थे कि अगर वो वाला सेम आया, तो एवरेज तो तो कहाँ सेम आ रहा है

इन्हें बहुत कोशिश करी लेकिन लोगों ने पकड़ लिया जाना यहाँ से कुछ भी नहीं कर पाया तू ठीक है लेकिन इसने एटलीस्ट कोशिश तो करी तीन चार का बना के ठीक है तो इसीलिए तो इसका मतलब ये ऑल अदर एलिमेंट और ये मेरे पास क्या है हम बोल सकते हैं कि ऑल दी नोन तो जितने एलिमेंट्स हमें पता थे जिनकी प्रॉपर्टी सेम होती है उनके उनका भी ट्राइड नहीं बना पाया सो ऑल दी नोन एलिमेंट्स विच हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज ज सिमिलर प्रॉपर्टीज तो उनको क्या कर लिया गया था नहीं कुडंट या कुड नॉट बी क्लासीफाइड इंटू ग्रुप्स ऑफ ट्राइड और इंटू ग्रुप ऑफ ट्राइड मतलब सिमिलर होने के बाद भी तुम उसे ट्राइड में नहीं कर पाए अगर ट्राइड मान लो पचास है पचास में से तुम सिर्फ मुश्किल से तीन दे पाए तो वो तो अपने आप में एक अच्छी बात नहीं है तो फाइनली अब मुझे एक बात बताओ जैसे तुम कोई भी पीएचडी का, का काम करते हो ठीक है टीचर्स बैठे रहते हैं पूरे दस पैनल बैठता है ऐसे जब तुम बीटेक करते हो तो बीटेक में भी तुम्हें लास्ट के जो फोर्थ ईयर होता है फोर्थ ईयर में तुम्हें ऐसे अपना प्रोजेक्ट देना पड़ता है तो जब तुम प्रोजेक्ट अपना प्रेजेंट करते हो तो हमारे पैनल बैठता है एच होते हैं बहुत सारे डिपार्टमेंट के टीचर्स होते हैं तो अगर वहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि तुमने ही कैसे किया और तुमने क्या की हाँ किया अभी कोई बात नहीं ठीक है हाँ ऐसे कर लेते हैं हवा हवा में बातें कर रहे हो तुम तो बताओ वो पकड़ लेंगे या नहीं पकड़ लेंगे तुम्हें कि तुम जुमला कर रहे हो यहाँ पे

उनको लगता है मजाक चल रहा है यहां पे मैंने वीडियो भी डाल दी तो टीचर कह रही है ओ यू एंजॉयड अ लॉट इन योर प्रोजेक्ट अरे हम वहां पे काम करने के लिए उतरे हैं इतनी धूप में वो टीचर कह रही है यू एंजॉयड अ लॉट बताओ उसने मास्क काट लिए हमारे पे फल तो कितने ओ, आए थे 310 सिर्फ इतना काम करने के बावजूद और यकीन नहीं करोगे हाईएस्ट था 325 जिन्होंने हमसे भी बहुत बहुत अच्छे अच्छे काम करे थे वैसे तो हमको लगता है हमने सबसे अच्छा काम किया था लेकिन क्योंकि थ्री ट्वेंटी को मार्क्स दे दिए हैं पता नहीं किस रीजन से तो मुझे लगता है शायद किया हो पर मुझे लगता है कि मेरे ज्यादा अच्छा काम कोई नहीं कर सकता क्यों क्योंकि हमारे अंडर जो प्रोफेसर थे वो काफी नामी प्रोफेसर थे डॉक्टर अनिल रिताश तो स्टिल हमको और वो प्रोफेसर ऐसे थे वो सपोर्ट करते ही नहीं थे मतलब उस पैनल के अंदर हमारे खुद के प्रोफेसर बैठे हुए हैं और वो सपोर्ट नहीं कर रहे हमें मतलब वो ये भी नहीं कह रहे टीचरों से कि नहीं इन्होंने सच में काम किया और वो खुद हमारे साथ भी गए थे चुपचाप बैठे हुए एकदम अरे भाई ये क्या बात हुई अगर तुमने देखा है हमें और अगर एक टीचर ऐसे बोल ले तो तुमको तो तो वो नहीं कर सकते नहीं 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 टीचर के सामने हम कुछ नहीं कहेंगे अच्छी बात है अच्छी बात है सही बोल ली ऐसे से टीचर बताओ सब कुछ उनको पता होते हुए भी हमारे अगर पर ठीक है और बच्चों के तो और भी गंदे आए थे कुछ कुछ दो सौ आए किसी के सौ आए रिजल्ट आने के बाद जब फाइनल ईयर का क्या फुल नहीं है, अरे कैसी बातें कर रहे हो भाई ठीक है ये तुम अभी, से, अभी एक सेकंड अभी ना तुम लोग सीबीएसई बोर्ड में हो बहुत अच्छी बात है कि तुम लोगों के फुल मार्क्स आ जाते हैं बेटा कॉलेज में एक बार चले जाओगे ना तो कॉलेज में ये मत सोचना कि तुम 70 से लेकर आ जाओगे या 75 से अबव आ जाते हैं ऑफ कोर्स 80 भी आते हैं 85 भी आते हैं लेकिन रेयरेस्ट है ऑफ द रेयर इंजीनियरिंग मेडिकल की बात हो रही है बीएससी की बात नहीं हो रही बीए की बात नहीं हो रही बीकॉम की बात नहीं हो रही है ये

तो बहुत इतना आसान नहीं होता है टीचर्स पहली बात टीचर को क्या दिक्कत है जब वो पेपर चेक कर रहे होते हैं हर चीज में वो दो नंबर काट लेते हैं पांच नंबर का क्वेश्चन चाहे तुम कितना भी लिख दो दो नंबर कटने ही है फिर तीन में से नंबर मिलेंगे तो मैं कितने मिलने है तीन में से एक मिल गया डेढ़ मिल गए दो मिल गए तीन में से भी तीन कभी नहीं मिलते ऐसी चीजें तो होती है बताओ मतलब उन दो के बारे में उन दो के बारे में तुम पूछ ही नहीं सकते और पूछोगे तो उनका मुंह बन जाएगा और तुम्हें भगा देंगे इडियट गो टू योर क्लास ये क्या बात हो रही है भाई तुमने तो यही लिखवाया था बोर्ड पे तो उनसे कुछ बात ही मत करो बस उनसे कुछ बोल ही नहीं सकते इतना डर का माहौल बना के रखते हैं वो पहले से ही वायरस 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 सामने सामने इस्तीफा दे दे ऐसे ऐसे टीचर होते हैं कुछ भी नहीं है उसके सामने। तो एक बहुत छोटी सी चीज है मजाक उड़ाते हैं पहली बात तो वो अपनी शक्ल नहीं दिखाते वो बस क्लास में आएंगे और चले जाएंगे मतलब वो बच्चों को शक्ल ही नहीं जानते कौन बच्चा हमारी क्लास में आएंगे पता नहीं कुछ बोल के चले जाएंगे और वो पता नहीं किससे बात करते हैं बच्चों से बात कर रहे हैं अपने आप से ही बात कर रहे हैं बस हो गया सीधे हो गया लेक्चर में समझ नहीं आता हो गया हम सारे रहे होते हैं खुद, है। खुद और हर एक टॉपिक की एक नई बुक मैं तो नाम सुन के हैरान था एक कट्टी करनी ये खरीदना तो है कि भावी कट्टी एक बुक आई है ये लड़का है लड़की है वह कह रहा हूँ मतलब नहीं है लेकिन एक टॉपिक के लिए अलग से बुक खरीदूंगा मैं एक टॉपिक के अलग से बुक खरीदो वो छह सौ रुपए की अब कॉलेज लाइफ भी एंजॉय करनी होती है लेकिन अब बताओ हर एक टॉपिक के लिए पहले बात तो सब्जेक्ट दस पढ़ने होते हैं एक सेमेस्टर में उसमें से एक सब्जेक्ट के लिए एक एक टॉपिक के बोल लो अलग से भाई इतना नहीं हो पाएगा से इंटरनेट उस टाइम पे था थोड़ा बहुत उससे कर लेते थे लेकिन वो इंटरनेट की लैंग्वेज काट देते थे कहते तो विकीपीडिया की लैंग्वेज है ये तो गलत है विकीपीडिया में सही थोड़ी होता है

लेकिन वो भी करते हैं अच्छा खासा एंजॉय लेकिन पढ़ने वाला फैक्टर ज्यादा है इंजीनियरिंग में तो ऐसा होता है कि बच्चे जब सेमेस्टर स्टार्ट होते हैं तो स्टार्टिंग का एक महीना फुल एंजॉय चलता है और जब पेपर आ रहे होते हैं उस तरीके से पढ़ाई बढ़ती है और जस्ट एक रात पहले सोता ही नहीं है कोई सब एकदम एक दूसरे से पढ़ रहे होते हैं कोई लेक्चरबाजी कर रहा है कोई कुछ कर रहा है कोई यूट्यूब पर वीडियो देख रहा है कोई कुछ कर रहा है इस तरीके से होता है एक रात पहले पढ़ाई होती है इंजीनियरिंग में लेकिन ओवरऑल तो <laughs> तो इतना इंजीनियरिंग बर्बाद होता नहीं ये मीम बना, बना के इंजीनियरिंग में एक्चुअली सच बताओ तो ग्रेटर नोएडा वालों ने बर्बाद कर दिया है ये ग्रेटर नोएडा वाले कोई ऐसे तो मेरिट होती नहीं है सीधे जाओ एडमिशन लो तो इंजीनियरिंग वहां पे थोड़ा सा सीन थोड़ा खराब हो गया लेकिन गवर्नमेंट कॉलेजेस से अभी भी बहुत वैल्यू है और आगे भी रहेगी आते हैं नेक्स्ट पे तो ये तो भाई फाइनली डोबेरयनर तो बर चले गए बर्बाद हो गए लेकिन अच्छा खासा काम तो करके गए फिर आए दूसरे इनका नाम है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव ठीक है अच्छे वाले बाबा जी थे तो ये न्यूलन न्यूलैंड न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव हमारे पास है अच्छा ऑक्टेव ऑक्टेव से कुछ-कुछ समझ में आ रहा होगा ना आठ

सा, फिर से रिपीट हो गया ये तो पहला वाला सा और ये लास्ट वाला सा एक जैसा है ना इसके बाद फिर से रिपीट हो जाएगा तो कैन आई से एवरी हैव दी दी सिमिलर प्रॉपर्टी इसीलिए पहला सा था तो आखिरी भी एलिमेंट्स हाँ, तो को अरेंज किया तो इसने बोला हाइड्रोजन लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फिर आया फ्लोरीन आ, फिर इसने अरेंज किया सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम एक सेकेंड एक सेकेंड बता रहा हूँ सिलिकन फिर से इसने, इसने क्या बोला नियोन। नियोन इसने अरेंज नहीं किया था हाँ वो थोड़ी सा ड्रॉबैक है आई नो दैट वो इसका थोड़ा देियम भी नहीं है हाँ वो इसके ड्रॉबैक है अभी वो वो जो तुम पढ़ रहे हो ना वो आज के जमाने की है हैनरी मोजले जो तुम आज की ये उसके जमाने की है ठीक है तो क्रोमियम ऐसे मेरे पास टाइटेनियम इसी तरीके से मैग्नीशियम इसी तरीके से आयरन तो ये तुम्हें याद नहीं करना है मुझे तो चलो याद है क्योंकि हमने तो पूरा ट्वेल्थ तक पढ़ा है अभी तुम टेंथ में हो तो अभी तुम्हें याद नहीं करना होता है इतना लेकिन हाँ इस पर एप्लीकेशन क्वेश्चन आते हैं तुम ट्वेल्थ के अंदर ये सब चीजें सीखोगे तो अभी के लिए बस तुम्हें पता होना चाहिए इसी के अकॉर्डिंग इसने इसी के अंदर मतलब बहुत सारी चीजें और ली थी जहां तक मुझे याद आ रहा है इसने काबल्ट और निकल एक साथ ले लिया था क्योंकि इनकी सिमिलर प्रॉपर्टी से बनाई जबरदस्ती प्रूव करना चाह रहा था ये तो जिंक आ गया फिर आया था ये इस तरीके से इंडियम फिर ऐसे बहुत सारे टाइप के एलिमेंट आते जा रहे थे तो देखो अब मेन बात बस मेरा ये है ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवा या आठवा तो बताओ ये हाइड्रोजन के ठीक नीचे वाला आठवा है या नहीं ये 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 अच्छा अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि बोरोन तो बोरोन के जैसे सिमिलर प्रॉपर्टी किसकी होगी एल्यूमिनियम तो क्यों क्यों

<laughs> यही तो सारी बात चल रही है अगर ये मेरे पास वन है, है? ये सेकेंड ये थ्री है ये फोर है ये फाइव है ये सिक्स है ये सेवन है तो अब ये एट्थ आ गया ना तो पहला वाला और एट्थ वाले की प्रॉपर्टी सेम है ये चल रही है बात किसने बताया मतलब तो सेम है से उस उसने कर करके देखी है एक्सपेरिमेंट उसने चीजों को देखा यही तो ये वाली मैं वही तो कह रहा हूँ सब करके देखा तभी तो उसने दो तीन एलिमेंट को छोड़ दिया बीच में एक सेकंड एक सेकंड

तो मैग्नीशियम का एड मैग्नीशियम का सिमिलर जैसा एलिमेंट कौन होगा ऊपर भी जा सकते हो नीचे भी आ सकते हो एट में तो ये देखो मैग्नेशियम ये दिख रहा है तुम्हें तो यहां से काउंट करते हुए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स बेरिलियम और हाँ नीचे भी जा सकते थे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नीचे भी आ सकते थे कुछ लोग कहते हैं सर मैं तो नहीं कर रहा वन टू थ्री फोर एट मैं तो सीधे ऊपर नीचे देख लूंगा क्योंकि वही तो एट होता है अरे बिल्कुल कर सकते हो लेकिन प्रॉपर्टी तो पता होनी चाहिए थी ना तो इसका मतलब कैन आई से देट एवरी अकॉर्डिंग टू दू न्यूलैंड एवरी एट्थ एलिमेंट है सर टेबल लिखनी है हाँ भाई हाँ एटलीस्ट तीन लाइनें लिख लो वैसे तो बच्चों को दो लाइन ही याद रहती है लेकिन तीन लाइन भी लिख सकते हो चौथी लाइन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है सरे आप NI, और नहीं सर सर और लिखा ये लाइंस भी पड़ेंगी। नहीं, नहीं करनी यार नहीं करनी है नहीं पूछेगा वो कभी तुमसे ठीक है लेकिन हाँ वो ये पूछेगा न्यूरॉन ने बताया कैसे ठीक है मतलब न्यूरॉन ने क्या बताया तो एवरी एट नहीं आएंगे अभी आप हमसे पूछ रहे थे अभी तो मैं वो खुद ही बना के देगा तुम्हें क्वेश्चन में अब तक जितनी बार भी आया उसने खुद ही बना के दिया है क्योंकि ये 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 सही नहीं है ना ये तो तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है क्यों क्योंकि ये सही नहीं है तुम्हें चीजें क्या याद करवाई जाती हैं जो सही होंगी ये तो कमी yes, है ना इसके अंदर तो कमियां बहुत सारी अब बच्चों को हम कमियां थोड़ी गिनवाएंगे तो इसीलिए वो खुद ही बना के देते हैं ऑल्दो हमने तो इलेवन प्रिपरेशन में बच्चे कर लेते हैं तो हमने भी कर रखे तो एवरी एट अच्छा देखो एक मैंने फर्स्ट लिख दिया तो हैज हैज दी सिमिलर प्रॉपर्टी या सिमिलर प्रॉपर्टी सिमिलर प्रॉपर्टी तो बताओ ट्रायदाट तो, को तो और निकल, और निकल एक ही में आ रहे हैं हाँ और निकल इसने एक ही में लिया है सिमिलर बनाने के लिए जो कि सही नहीं है अपने आप में क्योंकि हर किसी का स्थान एक पर्टिकुलर पोजिशन दी गई है तो इसलिए तो देखो अपना यहाँ पे पहली बात क्या है देखा गया कि ये कुछ कुछ चीजें सेम नहीं है कुछ कुछ आगे जाके एलिमेंट ऐसे आए कि कुछ कुछ एलिमेंट यहाँ पे गड़बड़ हो गया कैसे आयरन और स्कैंडियम की प्रॉपर्टी में कुछ सिमिलरिटी नहीं है मैं ये मेरे पास टाइटेनियम इंडियम के अंदर कुछ ना कुछ तो, मोस्टली तो सेम है लेकिन स्टिल तो कुछ ना कुछ कमी है क्रोमियम और वाई के अंदर जो येटरबियम है उस, उसकी प्रॉपर्टी सेम नहीं है तो ये चीज देखी इसने बना तो दिया स्टार्टिंग का पूरा फॉलो हो रहा है जैसे कभी कभी क्या होता है जब हम पीपीटी देते हैं तो टाइम ना कुछ मैंने बच्चों को देखा है मैंने मेरे दोस्त थे वो इंजीनियरिंग में भी तो वो क्या करते थे स्टार्टिंग के तीन चार पेज में बहुत अच्छी थ्योरी लिखते थे बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट दिखाते थे तो टीचर एकदम वाह क्या होता है, वो? कुछ ऐसे है ना यस 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 फर्स्ट इम्प्रेशन इज दी लास्ट इम्प्रेशन तो उस चक्कर में बच्चे करते थे और टीचर इन्फेक्ट टीचर इन्फेक्ट हो भी जाते थे टीचर वाह बहुत अच्छा है और लास्ट में एकदम गंद होता था लास्ट में कुछ होता ही नहीं था लास्ट में बकवास से क्यों लेकिन जब तो अब टीचर भी टीचर को भी इतना वो नहीं होता टीचर भी अब इतने सारे बच्चे हैं भाई इतने सारे इंजीनियरिंग बच्चे हैं हम किस किस का इंटरव्यू करेंगे हम तो वो स्टार्टिंग में देखते हैं और बाद में कुछ टीचर तो बहुत अटेंडिव होते हैं कुछ टीचर तुम्हारे जैसे भी होते हैं तो स्टार्टिंग में बाद में देखते ही नहीं है वो तो उनके मजा आ जाते हैं ठीक है तो इसलिए स्टार्टिंग में सबसे अच्छा लगना पड़ता है इसने भी इसी अकॉर्डिंग काम किया स्टार्टिंग का पूरा पूरा फॉलो हो रहा है बाद में फॉलो ही नहीं हो रहा लेकिन ये ये कोई बात कॉलेज की थोड़ी हो रही है ये पूरे इंटरनेशनल लेवल की हो रही है तुम मजाक कर रहे हो तुम पूरी दुनिया को एक कॉन्सेप्ट देना चाह रहे हो और वो बाद में पूरा ही नहीं हो रहा है तो इसलिए क्या इसकी थ्योरी को अब प्रेजेंट करोगे तो वहां पर तो लोग पूछेंगे ही तो क्या ये पूरी तरीके से वाइडली एक्सेप्ट हो जाएगी वाइडली एक्सेप्ट हुई है लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट तक उसके बाद फॉलो ही नहीं हो रहा है तुम इसे क्यों पढ़ रहे हो अगर एक्सेप्ट नहीं हुई है तो आज आज आने वाली जनरेशन इसे पढ़ रही है इतने सालों तो दस साल हो गए सिलेबस का आए हुए और हमने भी पढ़ा तुम भी पढ़ रहे हो क्यों क्योंकि कुछ तो बात रही होगी ना अरे इतनी मेहनत तो उसने करी है तो बेशक बाद में वो फेल हो गया लेकिन कुछ तो किया है एटलीस्ट तुम तुम तो तो वो भी नहीं कर पाते तुम तो याद ही नहीं कर पा रहे हो ठीक <laughs> है तो इसीलिए इसको भी हम बोल रहे हैं गुस्सा नहीं तो इसका मतलब इसकी जो बात की जाएगी तो ये कहाँ तक एप्लीकेबल हुआ सिर्फ कैल्शियम तक तो इट इज एप्लीकेबल ओनली अप टू क्या हुआ गाली दे रहे हो दूसरी भाषा में

एलिमेंट uh, नहीं आया कुछ समझ अच्छा तो अब देखो ऊपर ऊपर हल्के एलिमेंट होते हैं हैवी हल्के और नीचे वाले है। हैवी है। होते हैं तो जरा बताना एक तरह से देखा जाएगा तो हमने कैल्शियम तो लिख दिया लेकिन अगर तुम्हें तो एक, एक एक और पॉइंट बनाना हो वैसे तो ए, इन दो बात लाइनों का एक ही मीनिंग में लिखता हूँ लेकिन अगर पॉइंट ज्यादा लिखने होते तो कैन आई से इट इस इज एप्लीकेबल टू लाइटर एलिमेंट ओनली अरे बोलो मतलब आई नो तुम लोग बोल हो आप, तो आप तो जुमलेबाजी कर रहे हो अरे तो जुमलेबाजी कभी एक्सेप्टेबल होती है ठीक है हमें पॉइंट बनाने होते हैं तो बिल्कुल तो हाँ, तो लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं नहीं 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 बोलेगा इतना इतना कोई टीचर नहीं है तो इसके बाद लिख देंगे नॉट एप्लीकेबल टू हायर एलिमेंट अबे ज्यादा ही हो जाएगा ठीक है दो तक ठीक है <laughs> तो टीचर एकदम पता थप्पड़ मार सकते हैं ठीक है थीके? तो थोड़ा सा ज्यादा ही हो जाएगा ठीक है हाँ ये बोल देना की इम ग्रुपिंग भी तो करिए इसने कुछ हैवियर को पहले लिख दिया और कुछ जो कुछ हैवियर को पहले लिख दिया जो लाइटर थे उनको बाद में लिख दिया था ठीक है तो इसका मतलब क्या मैं नहीं था। कुछ तीन लेकिन क्योंकि जब तक आई ही नहीं थी ना तो फिर टीचर तुम्हारे ऊपर ही हंस सकती है क्या जाना ठीक है तो ऐसा भी हो सकता है क्योंकि जब तक एलिमेंट आया नहीं था ना तो वो तो बाद में ही आई है उस टाइम पे जितने हैं वैसे तो फोर रो के अंदर आया तो बोल सकते हो कि 55 तो 60 आ गए होंगे ठीक ठीक है? है, है? ऐसा उस तक के टाइम की बात है, ठेके? तो ठीक है तो ये हमारे पास मतलब काफी टाइम पुराना हो गया है लेकिन इतना भी नहीं कि तुम बोलो कि वो बहुत पुराने जमाने के लोग थे ऐसा भी नहीं ठीक है भाई यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है नो no, सर no, तो ये था मेरे पास न्यूलर्न लॉ ऑफ ऑक्टे अब देखो इसके बाद ना हमारे पास आया सबसे अच्छा साइंटिस्ट जिसने सच में बहुत हार्डवर्क किया है और ये हमारे बाबा जी थे बहुत अच्छे ठीक है बहुत ही गुस्से में भी रहते थे, थे तो इनका नाम है मेंडेफ ठीक है तो अब इस मेंडेफ ने क्या करा मैं एक बार दिखा देता हूँ तो मेंडे ने सबसे पहली बात बस एक छोटी सी मिस्टेक कर रही है इन्होंने सोचा सबके सब एटॉमिक मास पे कर रहा है तो चलो मैं भी एटॉमिक मास पे करता हूँ लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी ने काम किया है उनकी शक्ल गुस्से वाली थी रहते अच्छा। नहीं थे ठीक है कुछ होते ना जैसे मैं ओके, भी ओके। हाँ, गुस्से वाला लगता हूँ लेकिन मैं हूँ नहीं ठीक है तो देखो तो अब हमारे पास में एक बार देता था तो ये मेंडलीफ है सब लोग हाथ जोड़ेंगे ठीक है यस से नमस्ते तो ठीक है तो ये हमारे पास थोड़े से गुस्से वाले हैं इनको देख के डर लग जाएगा मान लो तुम्हारा साइंस का टीचर ऐसा हो जाए मैं क्या पता आने आने वाले टाइम में मैं भी ऐसा ठीक है तो लेकिन उसके लिए तो मैं बहुत वेट करना पड़ेगा ठीक है तो गुस्से वाले बच्चे डर जाएंगे बेचारे ठीक है मैं नहीं पढ़ना इनसे ठीक है तो ये मेंटली है और इन्होंने बहुत काम किया है सीरियसली बहुत काम ये यंग वाले भी हैं देखो एक बार जब ये जवान थे जब ये ऐसे थे ठीक है फिर बाद में ऑफ कोर्स और कोई बुढ़ा होता है तो ये ऐसे हो गए तो ये हमारे पास क्या है मेंडलीव. तो मेंडलीव ने क्या करा बहुत अच्छा काम किया इन्होंने देखो इन्होंने हमें एलिमेंट्स के जितने टाइम पे एलिमेंट आए तो ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट को इन्होंने अरेंज किया जितने पॉसिबल कि बाद में आया तो ऑफकोर्स और एलिमेंट डिस्कवर हो चुके होंगे ऊपर से एलिमेंट अरेंज होने के बाद इन्होंने हमें ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का पैटर्न भी बताया कि तुम चाहो तो किसी का भी हाइड्रोक्साइड निकाल सकते हो तुम चाहो प्यारे प्यारे बच्चों तो उसका ऑक्साइड भी आप लोग निकाल सकते तो सबसे पहले मैं बता दू इन्हो ने सारे बच्चे ध्यान से देखना ठीक है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है yes, प्यारे प्यारे, प्यारे बच्चों तो अब कौन से साइंटिस्ट आ रहे हैं हमारे ठीक है तो मेंडल मेंडल नहीं है मतलब मेंटल ठीक है मेंटल नहीं ठीक है लीव्स ठीक है तो मेंडलिव आया तो सबसे पहले ग्रुप और पीरियड बनाया तो देखो ग्रुप का मतलब क्या होता है वर्टिकल लाइन ये ऐसे करके जाना है ऊपर से नीचे तक इन्हें हम बोलते हैं ग्रुप और लेफ्ट से राइट right साइड जाना इसे हम क्या बोलते हैं पीरियड्स पीरियड्स और ये क्या होता है मेरे पास ग्रुप्स तो वर्टिकली आना ग्रुप्स और ऐसे हॉरिजॉन्टली जाना इसे हम बोलते हैं पीरियड्स तो इसने क्या करा प्यारे प्यारे बच्चों इसने ऐसे पीरियड्स कितने बनाए छे ठीक है पीरियड्स कितने बनाए इसने छे और ग्रुप गुरु, ग्रुप इसने बनाए आठ तुम्हारे स्कूल में हो चुका है, है, yes, है. है। अच्छा, अच्छा. तो ये क्या ये विनीत यस सर ठीक है तो अगर इसने आठ बनाया तो ये मेरे पास मान लो उस एलिमेंट का नाम है आर तो एक काम करो हम आठ बनना भी आर लिखते हैं पीरियड ऑफकोर्स छे है उसके अंदर सब में एलिमेंट आएंगे तो एक दो अच्छा थोड़ा छोटा हो गया चलो कोई बात नहीं चार छ और सॉरी एक सेकेंड थोड़ा ज्यादा स्पेस दे दिया मैंने ठीक है तो फिर आपने स्टार्टिंग में सी लिख अरे नहीं नहीं वो कुछ नहीं है एक्चुअली मैं ग्रुप लिखने वाला था वो तो एक दो तीन चार पांच छ सात और ये लास्ट वाला है मेरे पास आठ ठीक है भाई तो ये मेरे पास मान लो आठ इसने ऐसे क्या बनाया ग्रुप बनाया तो इसने बोला कि अगर ये जो मेरे पास आठ एलिमेंट है अगर तुम इनके ऑक्साइड देखना चाहते हो इनके अंदर एलिमेंट है नीचे नीचे अभी मैं बना नहीं बना नहीं बना नहीं पा रहा हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा कम है जल्दी से मैं बस ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बनाना चाह रहा हूँ तो देखो मेरे पास क्या करना है तुम्हें इन सबको लिखो तुम आर टू सबको ठीक है आर आर लेना होता है अभी तुम पहले सबको क्या लिखना है तुम्हें आर टू आर टू लिखना है सबको लिख दो आर टू अब देखो अब ये जो मेरे मैंने लिख तो दिया है अभी सारे पैसे ध्यान सुनना ऑक्सीजन को पहले बढ़ाओ और फिर ऑक्सीजन को कम कर दो वैसे तो ये याद करने वाला है लेकिन इसकी ट्रिक बना रखी है मैंने कैसे याद रखना है तुम्हें अभी सारे पे ध्यान सुनना हाइड्रोजन के लिए सारे पे ध्यान सुनेंगे अगर हाइड्रोजन का देखना है तो पहले हम बढ़ाते हैं फिर हम कम करते हैं लेकिन ऑक्सीजन के लिए हमें बस बढ़ाना होता है अभी अगर मान लो मैं अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं तो ऑक्सीजन को सिर्फ बढ़ाओ एक ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन तीन ऑक्सीजन चार ऑक्सीजन फिर ये पांच ऑक्सीजन फिर ये छह ऑक्सीजन फिर ये सात ऑक्सीजन और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास प्यारे प्यारे बच्चों ओ सॉरी ये मेरे पास हो जाएगा आठ ठीक है अच्छा अब मुझे एक बात बताओ क्या टू और टू आपस में कट जाता है क्या टू और फोर आपस में कट जाता है वैसे कट तो बहुत कुछ लेकिन ऐसे फ्रैक्शन में नहीं लेना है तो देखो ये तो नहीं कटेगा तो इसको आर टू ही रहने दो क्या ये कट जाएंगे आपस में टू और टू yes, sir. तो ये हो जाएगा आर ओ ये आर टू क्या आर ओ टू और फोर कट जाता है आपस में आर ओ टू आर ओ टू वेरी गुड ये क्या हो जाएगा आर टू ये क्या हो जाएगा आर ओ थ्री आर ओ थ्री ठीक है ये क्या हो जाएगा आर टू ओ और एट से कट जाएगा ये क्या बन जाएगा आर ओ फोर ठीक है तो बताओ तुम्हें सारे ग्रुप्स के ऑक्साइड्स पता लग गए या नहीं पता लग गए yes, ये आर का मतलब क्या है वैसे प्यारे प्यारे, प्यारे बच्चों एलिमेंट है कोई यस yes, जो इसके अंदर जो भी एलिमेंट होंगे ठीक है भाई जैसे ये ये ग्रुप नंबर वन है तो ग्रुप नंबर वन के अंदर भी बहुत सारे एलिमेंटों के अंदर ही अंदर ग्रुप नंबर टू के भी अंदर एलिमेंट इसने अरेंज किए ग्रुप नंबर फोर के अंदर भी इसने ऐसे एलिमेंट अरेंज किए राइट तो इसका मतलब मेंडलीव मेंडलीव के के अकॉर्डिंग Uh, कितने ग्रुप बनाए गए, yes, कितने गए? और कितने गए? तो ये खुशी भाई अच्छा अब अब पेस्ट हाँ बोलो नए ग्रुप मतलब किस चीज पेस्ड बनाया हाँ, वो अभी आएगा चिंता मत करो एट जैसे पिछले वाले ने क्या करा था तुमने देखा होगा पिछले वाले ने किस चीज में अरेंज कर रखा था वही ना जैसे ये ये देखो यहां से देखो सारे बच्चे यहाँ पे अगर हम इस पिछले वाले का देखते हैं काम अरे काम क्या काम एक हाँ, ये रहा तो देखो अगर तुम इसको देखते हो तो ये ग्रुप नंबर वन ही तो है देख रहे हो ये ग्रुप नंबर एक तरह से अगर मैं न्यूलैंड के अंदर ग्रुप नंबर वन लगा तो जरा बताना ये ग्रुप नंबर वन हो गया और इसमें पीरियड yes, पीरियड कितने हैं कहना इसे, है इसे पीरियड सिर्फ चार दिख रहे हैं अभी yes, एक दो तीन और चार ये चार पीरियड है और ग्रुप नंबर कितने दिख रहे हैं है तो तुम्हें इसमें ग्रुप नंबर सात तो ये न्यूजीलैंड के अकॉर्डिंग है ऐसे उसने भी सेम ऐसे ही बनाया भाई यही तो बात चल रही है ना सारी बात क्या चल रही है मैक्सिमम से मैक्सिमम ग्रुप्स का हमें अरेंजमेंट करना है कुछ बच्चे कहते हैं सर ये सब क्या बकवास हो रही है इससे तो तुम अकेले अकेले पढ़ लेते सही रहता ये क्या पढ़ना पड़ रहा है इतना तुम्हें तो ऐसा लग रहा होगा लेकिन ऐसा नहीं है अकेले अकेले पढ़ने में तुम तीन का भी याद नहीं रख पाओगे ग्रुप का पढ़ने से फिर भी याद कर पाओगे ठीक है तो ऐसा बस फील होता है लेकिन वो है नहीं तो अगर मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं प्यारे प्यारे बच्चों तो हाइड्रोजन के लिए मैंने क्या बताया था देखो किसी को पता ही नहीं है पहले, पहले, कुछ हाइड्रोजन बढ़ा के फिर कम करना वेरी गुड तो पहले हाइड्रोजन हाइड्रोजन देखो लास्ट वाले का बनता ही नहीं है क्योंकि लास्ट वाला नोबल गैस होता है तो आई मीन लास्ट वाला हाइड्रोजन के साथ नहीं कंबाइन होता है तो सात तक लिखते हैं अब तुम्हें क्या करना है इसके लिए आर आर लिखना है आटू नहीं तो एक हाइड्रोजन फिर दो हाइड्रोजन फिर तीन हाइड्रोजन, फिर चार हाइड्रोजन, चार हो गए मैक्सिमम, क्योंकि अब तो आधा और ये मेरे पास एच वन यहाँ पे भी कर सकते हो आर एच जीरोगा वन ही तो हो जाएगा नहीं आया समझ भाई वन हो गया वन के बाद जीरो ही तो आता है और एच जीरो नहीं तो ये कुछ नहीं हो जाएगा ठीक है भाई तो इसका मतलब मेंडिलीफ की जो मेरे पास है आ, मतलब ग्रुप और पीरियड तो उसमें हमें तो तो पता लग गया ग्रुप कितने आट, कितने आठ पीरियड उसने टू नहीं इसमें करना वही तो बोला ऑक्साइड के लिए हाइड्रोजन को हमेशा एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है जुड़ने के लिए इसलिए एक यार ऑक्साइड को दो चाहिए होते हैं टू चाहिए इसलिए दो दो करके करा है ठीक है एनी डाउट इन दिस तो अभी तक हमने बस इतना सीखा है कि अभी और भी चीजें पढ़ेंगे इसमें अभी सिर्फ हमने ये सीखा है कि मेंडलीफ ने आठ ग्रुप बनाए छह पीरियड बनाए और उसके अंदर भी उसने ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड हमें बताया कि किस किस तरीके से सब फार्मूले बनाते हैं ठीक है अगर बनाना चाहेंगे ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड से आई मीन हाइड्राइड से हाइड्राइड से हाइड्रोक्साइड OH होता है ठीक है तो चलो आज के लिए इतना ही बाकी मिलते हैं हम अपना नेक्स्ट क्लास के अंदर गाइस बाय बाय टेक केयर हाय सर थैंक यू सर बाय 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 थैंक यू सर थैंक यू सर बाय सर